सागर में सभी जल स्रोतों को अपने घर की पूजा और रसोई घर जैसा साफ एवं स्वच्छ बनाएं। उक्त विचार मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतिम दिन सागर में गंगा मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस अवसर पर विधायक शैलेन्द्र जैन, नगर निगम के उपाध्यक्ष वृंदावन अहिरवार, कलेक्टर दीपक आर्य, नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी सहित जन समुदाय मौजूद था। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड सागर। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतिम दिन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर में गंगा मैया मंदिर में पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना कर आरती की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हम सभी को जल स्रोतों के प्रति सजग एवं सतर्क रहना होगा। उन सभी जल स्रोतों को अपने घर के रसोई घर एवं पूजा घर जैसा साफ स्वच्छ रखने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना होगा, और जब हम सभी जागरूक होंगे तब हमारे सभी प्राचीन एवं नवीन जल स्रोत स्वच्छ एवं साफ होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश के सभी जल स्रोतों को स्वच्छ एवं साफ रखने की जो अभियान चलाया गया वह अभूतपूर्व है, और इससे न केवल जनप्रतिनिधि बल्कि यह जन अभियान बन गया है और हमारे जिला सहित संपूर्ण प्रदेश की प्राचीन से प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण एवं संवर्धन किया गया है और यह कार्य लगातार जारी रहेगा। मंत्री राजपूत ने कहा कि पूर्व में हमारे पूर्वज श्रमदान में विश्वास करते थे, किंतु आज मशीनों के द्वारा कार्य किया जा रहा है। हम सबको अपने पूर्वजों के समय को याद करते हुए श्रमदान कर अपने आसपास के जल स्रोतों सहित सभी जगह की साफ सफाई का ध्यान देना होगा, तभी प्रदेश स्वच्छ एवं स्वस्थ होगा। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं, जो पूर्णतः धार्मिक नगरी है और उनके विचार भी धार्मिक है, जिसे हम सभी लाभ लेकर इसे दिशा में कार्य करें। मैं अभी प्रगट दिवस परिवार सहित चार धाम की यात्रा करके आया हूं, और आज जब मैं गंगा आरती कर रहा था तो मुझे चार धाम की याद आ रही थी। हम सभी को गंगा की पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी चीज के लिए हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करने से हमें प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर विधायक शैलेन्द्र जैन ने कहा कि जल स्रोत हमारी पुरखों पूर्वजों की निशानी है, ऐसे बचाने के लिए हम सबको मिलकर कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जो जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया, ऐसे हमने पुराने जल स्रोतों को सहेजने व संवारने का कार्य किया है। विधायक शैलेन्द्र ने कहा कि पानी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, इसके लिए हमें बचाना होगा। आज हम सब एक साथ संकल्प लें सभी जल स्रोतों की सुरक्षा रक्षा करने के लिए, जिससे कि सभी जल स्रोत सुरक्षित रहें। संवर्धन अभियान का पूरे प्रदेश में समापन है। 5 जून से इस अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी द्वारा की गई थी, और आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से इसका समापन नहीं हो रहा है, इसके समापन की प्रक्रिया हो रही है। ये अभियान तो निरंतर जारी रहेगा। सागर में बहुत अच्छा अभियान हुआ। यहाँ शहर के विधायक शैलेन्द्र जैन जी मौजूद हैं, सारे अधिकारी हैं, पार्षद हैं, अध्यक्ष जी हैं, हम सब लोगों ने इस अभियान को चलाने की शुरुआत की, और ये अभियान चलता ही रहेगा। अभियान कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, ऐसे ही नदी, नाले, तालाब, बावरी, कुओं को भी साफ रखने का संकल्प आज लिया है, और इस संकल्प को हम पूर्ण तरीके से दिलो दिमाग में रखकर पालन करेंगे। आपका अपना खेमचंद हॉस्पिटल अब नए अवतार में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, इमरजेंसी सर्विस, मेल एंड फीमेल जनरल वार्ड, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ऑपरेशन थिएटर, SICU, एक्सरे, पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट रूम, स्पेशलिटी डॉक्टर्स के साथ खेमचंद जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, बड़ा बाजार, केशवगंज, वार्ड सागर। हमारा नंबर है 7898922699, 9109200503।